A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. ये poem जो है वो Leslie Norris के द्वारा लिखी गई है. Leslie Norris बहुत ही famous poet हैं. इनका पूरा नाम George Leslie Norris है. Who was born in 1921 in Wales. जिनकी पैदाइश जो है वो 1921 ईस्वी में वेल्स, जो कि एक कंट्री है, एक देश है साउथ वेस्ट ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, वहां वो जन्म लिए, उनका जन्म हुआ था. एंड ही पास्ड अवे इन द ईयर 2006 और फिर वो इस दुनिया से अलविदा 2006 ईस्वी में हुए. ही वॉज अ प्राइज विनिंग पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो इन्होंने अपने करियर में काफी सारे प्राइजेस जीते और शॉर्ट स्टोरी के बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस राइटर लेस्ली नॉरिस रह चुके हैं. उनके कुछ फेमस वर्क्स जो हैं, उनमें से कुछ नाम यूं हैं: फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड विंडर, फीनिक्स, लिविंग पोएट सीरीज, रैंसम एक्सेट्रा. तो ये कुछ जानकारी थी लेस्ली नॉरिस के बारे में, जो आप चाहें तो लिख सकते हैं. Let's start the poem from its first line. So what it says, this poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. तो ये poem जो है वो contrast करता है. Contrast का मतलब एक दूसरे के opposite में है. किसके opposite में? एक tiger जो zoo के अंदर है और एक tiger जो natural habitat में है. तो एक tiger जो चिड़ियाघर में है, यानी जू के अंदर है, और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में है. नेचुरल हैबिटेट मतलब होता है प्राकृतिक जगह, जहां पर कुदरत ने, जहां पे प्रकृति ने किसी के रहने के लिए कोई जगह बनाई हो, उसको हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं. तो एक टाइगर के लिए नेचुरल हैबिटेट जंगल ही हो सकता है. तो यहाँ पे एक जंगल के टाइगर और एक जू के टाइगर के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है, यानी कि डिफरेंशिएट किया गया है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. तो ये पोएम जो है वो जू से शुरू होता है और जंगल की तरफ जाता है और फिर वापस दोबारा जू की तरफ आ जाता है. अब एनसीईआरटी की तरफ से एक सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैं भी सही समझता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा जरूर स्टूडेंट्स को करना चाहिए. एनसीईआरटी कहते हैं, Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. यानी कि उनका suggestion है कि आप एक बार पूरे poem को बड़ी quietly, बड़े ही शांत तरीके से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये decide करें कि कौन सा stanza जो है वो zoo के tiger के बारे में बात कर रहा है और कौन सा stanza जो है वो jungle के tiger के बारे में बात कर रहा है. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पोएट कहां पे, किस जगह पे मूव हो रहा है, किस स्टैंजा में, किस जगह की हम बात कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ही यहां पे टाइगर के लिए यूज किया गया है. यूजुअली टाइगर के लिए इट का यूज किया जाता है, बट यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है टाइगर को, तो इसलिए यहां पर ही का यूज किया गया है. तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज किया गया है. स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना, या फिर आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एंग्री वॉक, मतलब बड़े गुस्सेल आंखें उसकी जो होती हैं, उस तरीके से जो चलता है तो ऐसा लगता है टाइगर बहुत ही गुस्से में चल रहा है, तो उसकी चाल बड़ी शान वाली होती है. सो ही स्टॉक्स, वो शान से चलता है. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है बिल्कुल साफ दिखने वाला, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट स्ट्राइप्स, जो धारियां होती हैं. स्ट्राइप्स मतलब धारियां, जो टाइगर के शरीर के ऊपर जो धारियां हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है. तो जब वो चल रहा है तो उसकी धारियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो वो कहां चल रहा है, कुछ ही कदम चल रहा है जिस पिंजड़े में वो है,
उस पिंजरे के अंदर, यानी कि इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में हम जू के टाइगर की बात कर रहे हैं। तो एक टाइगर जो जू के अंदर है वो सिर्फ कुछ ही कदम जो है वो पिंजरे के अंदर चल पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का मतलब होता है इस तरीके से चलना जिसमें आवाज ना हो, सो स्टेडी वॉक या वॉक विद सॉफ्ट, यानी शांत चाल जिसको आप कह सकते हैं। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मखमल को कहते हैं जो काफी सॉफ्ट होता है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो मखमल के जैसा शांत, बिल्कुल शांत चाल होती है उसकी, यानी पता ही नहीं चलता है कि वो चल भी रहा, उसके कदमों की आहट आप नहीं सुन सकते, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। इन हिज क्वाइट रेज, और इसके साथ साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन उसका गुस्सा उसने शांत करके रखा हुआ है, उसका गुस्सा जाहिर नहीं हो रहा है, वो चुपचाप बिल्कुल अपने गुस्से को अपने अंदर समाये हुआ है और सिर्फ खामोशी से उस पिंजरे के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ये स्टैंजा हमें कहां लेकर के जा रहा है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाए किसी शिकार के लिए, जब कोई जानवर घात लगाए बैठा होता है उसको कहते हैं लर्किंग। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लंप डियर पास। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जंगल के टाइगर के बारे में बात कर रहा है कि इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, यानी कि इसे छुपा होना चाहिए, घात लगाए अपने शिकार के इंतजार में किसी शेडो के, किसी परछाई, किसी पेड़ की आड़ में या किसी पत्थर के आड़ में या किसी बड़ी बड़ी जंगलों के आड़ में छुपा हुआ होना चाहिए था अपने शिकार के इंतजार में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे सड़कता हुआ लंबी जो घासें हैं उसके उससे होकर के अपने शिकार की तरफ वो धीरे धीरे सड़कता हुआ होना चाहिए था। नियर द वॉटर होल, और कहां जाता वो, जहां पानी का बड़ा सा गड्ढा है, जंगल के अंदर बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पानी जमा होता है, बारिश का पानी या नहर का पानी, जो भी पानी होता है, जहां पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वेयर प्लंप डियर पास, प्लंप का मतलब होता है हट्टा कट्टा, यानी तगड़ा, जो जिसमें काफी मांस भरा हो उसको कहते हैं प्लंप। तो वो डियर जो बिल्कुल हट्टा कट्टा डियर वहां से जो गुजरता है, यानी कि हिरन जो वहां से गुजरता है, उस जगह पे वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तो आपने नैट जियो या अगर डिस्कवरी चैनल अगर आपने देखा हो तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से एक टाइगर जो है वो शिकार के लिए आगे बढ़ता है, जंगलों से झाड़ियों के बीच में छुपता छुपाता हुआ बैठा हुआ होता है, जैसे ही उसके बगल से कोई जानवर गुजरता है वो उसकी तरफ झपट्टा मारता है। तो वही सीन यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है शिकार की अपने वर्ड्स के थ्रू पोएट ने। नेक्स्ट स्टैंजा में हम चलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, शेर जो गुर्राता है उसको स्नॉर्लिंग भी कहते हैं, रोरिंग। तो वो उसे गरजना चाहिए कहाँ, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जंगल के बिल्कुल छोर पे वो घरों के आसपास जाके उसे गरजना चाहिए था। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज, और बारिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखाना, मेक पब्लिक। तो वो लोगों को दिखाता क्या, अपने सफेद फैंग्स जिस दांतों से वो शिकार करता है और मांस को उखाड़ फेंकता है, उस दांत को वो दिखाता, जो नुकीले दांत होते हैं बाघ के उसको वो दिखाता। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता। टेररिजिंग द विलेज, और जो गांव के लोग हैं उसको वो अपने आतंक से डराता। ये चीज टाइगर जो है यहाँ पर शो कर रहा होता है एक जंगल में जब होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते तो वही नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो लॉक्ड है कहां, एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर। कॉन्क्रीट सेल का मतलब एक सीमेंटेड गिट्टी से बना हुआ या ईंटे से बना हुआ जो सेल होता है, यानी जेल होता है, उसके अंदर वो टाइगर बंद है।
इज अ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी उसकी जो जितनी भी ताकतें हैं, जो पूरी की पूरी ताकत जो है वो कहाँ है, वो सलाखों के पीछे है। वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो लेकिन उसकी सारी ताकत को सलाखों के पीछे, उस बाघ के ताकत को रख दिया गया है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि जो उस पिंजरे की अंदर, जिस पिंजरे के अंदर उस बाघ को रखा गया, उस टाइगर को रखा गया, सिर्फ उसकी लंबाई को वो नाप पा रहा है अपने चाल से, अपने कदमों से, और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और जो उसको लोग देखने के लिए आए हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, यानी वो कुछ कर ही नहीं सकता। ही इज हेल्पलेस, दैट्स व्हाई ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, इसलिए वो विजिटर्स को सिर्फ इग्नोर कर रहा है। अगर वो जंगल में होता तो उसके उसके इतने करीब अगर कोई इंसान होता तो वो इग्नोर नहीं करता, इंस्टेड ही वुड अटैक, वो उनके ऊपर अटैक करता। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ, उसमें वापस से जू के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी कि रात में जो वो आखिरी आवाज सुनता है वो टाइगर, द पेट्रोलिंग कार्स, वो उन गाड़ियों की आवाज सुनता है जो उस जू के अंदर पेट्रोल करने के लिए निकले हैं, यानी कि चक्कर काटने के लिए निकले हैं, राउंड पे निकले हैं वो देखने के लिए कि कहीं कोई किसी तरह का मिस हैपनिंग तो नहीं हुआ है, इन चीजों को जांच करने के लिए निकले। तो उस गाड़ी की लास्ट आवाज उस दिन की वो सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, यानी उसकी जो चमकीली आंखें हैं, लेकिन चमकीली आंखें यहां बताया तो जा रहा है लेकिन असल में वो सैड है, वो उदास आंखें हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो शाइनिंग स्टार्स है, जो सितारे आसमान में साफ दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ वो सिर्फ देख पा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। इस लाइन से उस टाइगर की मजबूरी को शो किया गया है कि एक टाइगर जो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, और उसकी सारी खूबसूरती, उसकी सारी सुंदरता जो है वो सिर्फ उसकी ताकत के अंदर है, और जब उसको पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है तो उसकी सारी ताकत, उसकी सारी ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है। और एक अवेयरनेस यहाँ पे जो पोएट ने सामने लाने की कोशिश की है वो ये है कि किसी भी जानवर को पिंजरे के अंदर रखना ये अनह्यूमन है। उसके लिए बेस्ट जगह जो है वो जंगल ही है, जहाँ पे वो नेचुरल तरीके से रह सकता है। और आजकल गवर्नमेंट ने हर कंट्री के अंदर एक नेचुरल पार्क्स बनाया है, जिसे हम नेशनल पार्क भी कहते हैं, जहां पर जानवरों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द एनिमल्स इनसाइड द बार और इनसाइड द सेल और केज, इट्स बेटर टू लीव देम इन जंगल एंड लेट देम लिव देयर ओन लाइफ। किसी को हम किसी जानवर को ज़बरदस्ती सिर्फ अपने नुमाइश के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनकी ज़िंदगी को हम इस तरीके से बर्बाद ना करें, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनको उस हिसाब से हमें जीने देना चाहिए। तो इस पोएट से यही डिस्क्राइब करने की कोशिश, पोएम से पोएट ने यही डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। बाकी इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं या लिटरेरी डिवाइसेस हैं, राइमिंग स्कीम्स हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड कर लूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो।